मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पुलिस खूब पीटती है। हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आज जदयू कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जनता दरबार लगाए बैठे थे। उसके दरबार में एक फरियादी फरियाद लेकर पहुंचा और उन्होंने खुद को ऑटो चालक बनाया। उनका कहना है कि जब वो सवारी बैठा रहे थे इस दौरान पुलिस की गाड़ी आई और उनसे आगे हटने को कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि सवारी बैठा लेते हैं भैया, उसके बाद आगे बढ़ा लेंगे। इतने से सवाल के बीच जो है पुलिसकर्मी उतरते हैं और उनकी पिटाई कर देते हैं और ये फरियादी अब जदयू कार्यालय पहुंच गया है। आप तस्वीरें देखिए, जदयू कार्यालय पहुंचकर मंत्री अशोक चौधरी को उन्होंने अपने जख्म दिखाए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि पुलिस का रवैया जो है वो ठीक नहीं है। जब जदयू कार्यालय में ये फरियादी फरियाद लेकर पहुंचे थे तब मंत्री के सामने क्या कुछ हुआ, मंत्री ने जवाब में क्या कुछ कहा, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। तो आपने सुना रामकृष्णा नगर की पुलिस पर ये बड़ा आरोप लगा है और उनके द्वारा पिटाई करने की बात सामने आ रही है। हालांकि मंत्री ने इस बात को लेकर आश्वस्त किया कि यदि पुलिसकर्मियों के द्वारा पिटाई की गई है तो इस बात को संज्ञान में लिया जाएगा। आपको बता दें जदयू कार्यालय में प्रत्येक दिन बिहार सरकार के तमाम मंत्री पहुंचते हैं और फरियादियों की शिकायत सुनते हैं, अपने स्तर से निवारण करने की भी बात करते हैं। लेकिन जब आज जदयू कार्यालय में एक फरियादी ऑटो चालक अचानक पहुंचता है, अपने जख्म को दिखाता है और बिहार में पुलिसिया कार्रवाई किस तरीके से होती है उसके बारे में भी वो बताते हैं। उनका कहना है कि उनकी कोई गलती नहीं थी, आगे जाम भी लगा हुआ था और सवारी को बैठा रहे थे, चंद सेकेंड रुकने के दौरान जो है उनकी पिटाई कर दी जाती है। आप बने रहते बिहार टॉप के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।